राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन में भारत माँ की आजादी के 75वें वर्ष की पूर्णता पर पूरा देश मना रहा है अमृत महोत्सव, जिसके उपलक्ष्य पर मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा भारतीय प्रतिबिंब कल आज और कल की ओर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती माता के वंदना के साथ की गई। वहीं मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा भारत माता के ऊपर लिखा गया गीत भी प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत का संवैधानिक रूप से एक ही नाम होना चाहिए, जिसके लिए मैं भारत हूँ फाउंडेशन मांग उठा रहा है। क्या है कार्यक्रम का मकसद? मैं भारत हूँ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरा देश भारत माँ की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव पर तिरंगा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से कर रहा है। लेकिन हमारी केवल एक ही मांग है कि देश का केवल एक ही नाम भारत हो, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत हूँ फाउंडेशन के पदाधिकारी, जो कि भारत और विदेशों में भी निवासित हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री शोभा सादानी कोलकाता, कोषाध्यक्ष निशा लड्डा कोलकाता, सह कोषाध्यक्ष अनुपमा शर्मा दाधीश मुंबई, उपाध्यक्ष गोविंद माहेश्वरी कोटा, उपाध्यक्ष किरण लड्डा दिल्ली, सदस्य कुसुम लोनिया दिल्ली सहित फाउंडेशन के विदेश संयोजक अरुण मुंदडा होस्टन, किशोर जैन लंदन, आशीष जैन व विपुल जैन इत्यादि जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भारत के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, वरिष्ठ लोकप्रिय पत्रकार, समाजसेवी, उद्योगपति की उपस्थिति के साथ भारत को केवल भारत ही बोला जाए, इस विषय पर अपना प्रकाश डाला। कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने अभूतपूर्व सहयोग दिया है और कहा है कि हमें इस मुद्दे पर राजनीतिक में ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, मैं भारत हूँ फाउंडेशन के, तो इनके द्वारा आज आपके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? आज कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है यहाँ पर, आज भारत माँ अपनी आज़ादी की 75 साल पूरी कर रही है। हम भारतीय दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा देश बहुत ही पुराना है, लाखों साल पुराना प्राचीन है, और वर्तमान का भारत आज पूरे विश्व को बता रहा है कि भाई मैं भारती हूँ। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे देश का नाम केवल भारत रहे, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन आज 7 अगस्त को रविवार के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया है। और उद्देश्य आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि एक ही है, भारत को अब केवल भारत ही बोलें, किसी उपनाम की ज़रूरत नहीं है भारत को। भारत केवल भारत था, भारत है और भारत ही रहना चाहिए, यही मैं आपको बता सकता हूँ कार्यक्रम का उद्देश्य। सर, आप जैसे देश की राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं इतना बड़ा, तो क्या आप सरकार को कभी इसके पहले ज्ञापन वगैरह दिए हैं, कोई लेटर वगैरह दिए हैं कि हाँ आप इंडिया ना बोला जाए या भारत ही बोला जाए, ऐसा कुछ आपने पहले इससे किया है? देखिए, सरकार के पास तो हम जाने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम जंतर मंतर में बैठे, क्योंकि हमें ये बताया जाता है और बताया गया है कि मैं मुंबई का निवासी हूँ। मुझे ये बताया गया कि भाई जंतर मंतर में बैठने के बाद भारत सरकार प्रतिवेदन लेती है और उस प्रतिवेदन के ऊपर कार्य करती है, कुछ सोचती है कि भाई ये कुछ न कुछ ऐसी ज़रूरी विषय है, इसलिए हम भारतीय जंतर मंतर में बैठते हैं। मैं भारत फाउंडेशन की तरफ से आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि हम सब कहें कि हम भारतवासी हैं, हमारा देश भारत है,
और जैसे कि हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि विश्व गुरु बनाने के लिए सभी अपना सहयोग दें, चाहे वो युवा हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। और ये मैं भारत की जो भावना है बड़ा जोश और जुनून से भरी हुई है। मैं तो यही हमेशा गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ कि रीजा की भी सदा मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, मैं भारत की रहने वाली हूँ, भारत के गीत सुनाती हूँ। तो सबको यही कहना चाहिए कि भारत महान, हम भारतवासी, भारत में अनेकता में एकता है, हर तरह के, हर समाज के, हर जाति के, हर वर्ग जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे भारत में माइनॉरिटी के भी लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं और बड़े ऊँचे पदों पे सम्मानित हैं वो लोग। सर, मैं भारत फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत शानदार कार्यक्रम था और कार्यक्रम का जो मूल मोटिव है कि हम भारत हैं, हम इंडिया के नाम से ना जाने जाए। निश्चित रूप से अगर अमेरिका, हिंदी में भी अमेरिका लिखते हैं, इंग्लिश में भी अमेरिका लिखते हैं, जापान, हिंदी में भी जापान लिखते हैं, अंग्रेजी में भी जापान लिखते हैं, तो निश्चित ही भारत भी हिंदी में भारत लिखेंगे, इंग्लिश में भी भारत लिखेंगे। इंडिया शब्द कबूल नहीं है, ये एक संदेश है इस मैं भारत हूँ फाउंडेशन के माध्यम से, और निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। क्या ये संसद भवन में पास होगा? संसद भवन में पास होगा तब हटेगा या नहीं हटेगा, ये विषय कानूनी विषय है और कानूनी रूप से पूरा देखने के बाद ही इस पर मैं कोई कमेंट कर पाऊंगा। हाँ, मैं ध्रुव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयोजक, मैं भारत हूँ का संयोजक हूँ। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेटीशन दी और 2014 में योगी जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर भी पेटीशन दी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन दें, और हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री में भी रिप्रेजेंटेशन दिया और हम लोगों ने लॉ मिनिस्ट्री के भी, और इसको हम करा के, मैंने केवल 3 दिन पहले 45 पार्लियामेंट्रियंस को बुलाया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर और एक पार्लियामेंट्री फोरम का गठन किया है और पार्लियामेंट्री फोरम के सामने भी ये विषय रखेंगे जिससे कि ये शून्य काल में उठाया जा सके, क्योंकि जो इंडिया नाम है ये अंग्रेज देश आज़ाद हुआ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हर गली में गाया गया, हर कोने में गाया गया, लेकिन ये जो भारत वर्ल्ड है, इंडिया, इंडिया का जो यदि डिक्शनरी में देखोगे तो इंडियन मीन्स स्लेव लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है अफ्रीका में उसमें रेड इंडियन हो या इंडियन हो, वो ये सोचते हैं कि ये दास या गुलाम, तो ये गुलामी का प्रतीक है और इस गुलामी के प्रतीक को हम हटा के रहेंगे।